मुहर्रम के पर्व पर शरिया कानून के तहत चलने वाले देश अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने मुहर्रम पर छाती पीटने और खुद को नुकसान पहुंचाने पर बैन लगा दिया है। मुहर्रम को लेकर तालिबान ने कड़े कानून बनाए हैं, जिसमें कहा गया कि शोक मनाने वाले समूहों को अब खुद को मारना मना है। इसके साथ ही मुहर्रम पर छाती पीटना पूरी तरह से वर्जित है। आदेश न मानने वालों को कड़े दंड भुगतने की चेतावनी दी गई है। अफगानिस्तान में मुहर्रम को लेकर बनाए गए कानून से पहले शिया धर्म गुरुओं से बकायदा सहमति ली गई है। बता दें कि तालिबान के नए नियम के मुताबिक मुहर्रम के समारोह केवल मस्जिदों या आधिकारिक अधिकारियों के बताए स्थान पर ही आयोजित किए जाएंगे। शिया आबादी वाले क्षेत्रों में शोक समारोह केवल शिया मस्जिदों में ही आयोजित किए जाने चाहिए। झंडा फहराने का कार्यक्रम केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जाएगा। शोक मनाने वालों को समूह में नहीं आने के लिए कहा गया है। शोक मनाने वालों को प्रवेश करने के बाद मस्जिदों का दरवाजा बंद कर देना चाहिए। बंद दरवाजे के पीछे ही शोक समारोह मनाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि शोक समारोह के दौरान विलाप पाठ और अन्य ऑडियो नहीं बजाए जाएंगे। झंडे केवल मस्जिदों के पास ही लगाए जाएंगे। झंडा और पोस्ट पर किसी भी तरह के राजनीतिक नारे, अनुचित फोटो या दूसरे देशों की शर्तों को लिखना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इन सुन्नी मुसलमानों को नहीं बुलाया जाएगा। समारोह में छाती पीटना मनाए। बताया जा रहा है कि तालिबान शासन वाले अफगानिस्तान में इस नियमों को बनाने से पहले बाकायदा बैठक बुलाई गई और शिया धर्म गुरुओं के हस्ताक्षर भी सहमति पत्र पर लिए गए।